हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर मैं आपको 5 से 6 फैक्ट बताते चलूँगी, तो इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा आपके ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जैसा कि आप शेयर करते आए हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, नया नाम क्या है। देखिए, पहले तो कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना। आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ कजाकिस्तान के, तो आप लोग ध्यान से सुनेगा। देखिए, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान का ऑफिशियली नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, अल्माटी। ठीक है, यहाँ पे रिलीजन कौन कौन सा फॉलो होता है, तो यहाँ पे 70% मुस्लिम है, ठीक है, और लगभग 26% यहाँ पे क्रिश्चियन है, और अदर्स रिलीजन यहाँ पे फॉलो होता है वो है 3.5%। ठीक है, तो देखिए, कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम रखा गया है नूर सुल्तान, बट ऐसा किया क्यों गया है। देखिए, कजाकिस्तान के बहुत ही लंबे समय तक के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में यहाँ की राजधानी क्या कर दी गई है, नूर सुल्तान। और नाम क्या था प्रेसिडेंट का, नूर सुल्तान नजरबायेव। ठीक है, और उन्हीं को सम्मान देते हुए, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो इसका नाम कर दिया गया है नूर सुल्तान। ठीक है, देखिए, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1971, 1972 और 1871 या 1982। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बात की जाए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, यानी कि वन दिवस, विश्व वन दिवस। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विश्व क्षय दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन तैयार हो, क्योंकि ये सभी भी आपसे डेज पूछे जा चुके हैं, और ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से 8 मार्च के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजन किया गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बात आती है श्रीलंका की, तो आपको मैं फैक्ट बताती चलूँगी। श्रीलंका कंट्री का ऑफिशियल नेम क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, कोलंबो, और यहाँ की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सिन्हाला है और तमिल है, और यहाँ पे एक लैंग्वेज को और रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो कौन सी लैंग्वेज है, ये है इंग्लिश। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेपाल की राजधानी आपको पता है क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ही ईजी है। चीन की आपको पता है, चीन की लार्जेस्ट सिटी शंघाई है, और यहाँ पे जो है शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है, और रूस की क्या है, रशिया की है मॉस्को। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने योनो कैश ऐप लॉन्च किया है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। बात आती है SBI की, तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताते चलूंगी। देखिए, SBI लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। देखिए, इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हाल ही में इन्होंने योनो कैश ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के 21 शहरों में ई किसान भवन बनाने के लिए योजना एवं विकास विभाग ने कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 करोड़ रुपए।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के इरफान रमज़ान शेख को 19 मार्च 2019 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? देयर इज़ फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज शौर्य चक्र। देखिए इनको ये क्यों दिया गया पुरस्कार, देखिए 2017 में जब ये 14 वर्ष की आयु में के थे तो इनके घर पे 3 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया था, तो इसी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया। नाम याद रख लीजिएगा, इरफान रमज़ान शेख। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस देश के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने 19 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत ही डिटेल में इसको आपसे डिस्कस किया था, तो आप बताइए कि वो कौन सा देश है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में अगर आपने अच्छे से सुना है वीडियो को तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में हाल ही में किस नाम से आए चक्रवात से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डोरिस, एल्टिस, इडाई या वुलमर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इडाई, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बात आती है जिम्बाब्वे की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है जिम्बाब्वे। ठीक है, मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में है ये। ठीक है, और ऑफिशियल नाम क्या है, यहाँ का नाम है ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे, और यहाँ की कैपिटल क्या है, हरारे। ठीक है, तो यहाँ पर इडाई जो है चक्रवात आया था, यहाँ इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, 9th क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के 2019 के ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से विश्व में सबसे महंगा है? 4 ऑप्शन है, मुंबई, दुबई, टोक्यो या पेरिस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में किफ़ायती मकानों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने का अनुमोदन किया गया है? तो ये किया गया है 1%। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूछा जाता है, और इसको हिंदी में बोलेंगे वस्तु और सेवा कर, इनडायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है किसे, तो ये हैं पिनाकी चंद्र घोष को। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, लोकपाल जो है केंद्र सरकार द्वारा इसमें काम होता है और लोकायुक्त राज्यों में होता है। ठीक है, लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और लोकायुक्त स्टेट के लिए होता है, और जो लोकपाल होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, और लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बहुत ही न्यूज़ में था तो आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की इकाई यूनेस्को द्वारा विश्व में पानी की स्थिति के बारे में जारी की गई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ठीक है, अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त किस देश में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव टाल दिया गया और अब यह 28 सितंबर को होगा? 4 ऑप्शन है, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान या रूस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस बैंक के करीब $2 अरब कर्ज की धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त नीरव मोदी को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया? तो ये किस बैंक से संबंधित है, तो ये है पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित। ठीक है, पीएनबी से रिलेटेड है ये। और अगर बात की जाए पीएनबी की, तो इसको कब फाउंड किया गया था, तो ये किया गया था 19 मई 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया? ठीक है, उन जो हाल ही में
मनोहर पर्रिकर जी का जब डेथ हो गई थी तो गोवा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था प्रमोद सावंत को। गोवा की बात आती है तो गोवा की कैपिटल क्या? पणजी है। और पणजी कभी वो एग्जाम पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है पणजी, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पणजी भी बोलते हैं पणजी भी बोलते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 18 मार्च 2019 को महाराष्ट्र के औंध में कितने अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 17। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में सिर्फ 9.9 हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, HDFC बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका फाउंड कब किया गया था? 1994 में। ठीक है, 1994 में किया गया था, आज से 25 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण का दर क्या है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज 34.7। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला? बहुत ही न्यूज़ में था ये, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये हैं जसप्रीत बुमराह, भारत के तेज गेंदबाज हैं ये। फर्स्ट नंबर पे कौन है? बात की जाए फास्टेस्ट बॉलर, तो ये हैं आपके फास्टेस्ट बॉलर नहीं, मतलब कि फर्स्ट रैंकिंग में कौन है? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, सेकेंड पे हैं ट्रेंट बोल्ट, थर्ड पर है राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो फर्स्ट पर हैं विराट कोहली, सेकेंड पर है रोहित शर्मा, और थर्ड पर है रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर 1 सप्ताह तक मनाए जाने वाले किस पर्व का 14 मार्च को आरंभ किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भगोरिया महोत्सव। ठीक है, संबंध इसका है मध्य प्रदेश से, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सह्याद्री। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है गुरु शिखर। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कैस्पियन सागर, अराल सागर, सुपीरियर झील या बैकाल झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। और बात की जाए सबसे गहरी झील कौन है, तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद कर लेना है। फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चार ऑप्शन है आपके सामने, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बेकाल झील या अमृत सागर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, गहरी झील है बेकाल झील। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। बात की जाए आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था अकबर ने। और यह है कहाँ पर आगरा का किला? यह है आपका आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, बाबर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था किसने? ये करवाया था अकबर ने। तो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे थे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।